हेलो गाइस, वेलकम टू ओमनिविड्स। तो गाइस, बेंटन एक बहुत ही ज़्यादा ओवर पावर टीनेजर है और इसका कार्टून सीरियल बच्चों में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी रह चुके हैं। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम ओवरऑल बेंटन यूनिवर्स को डीसी यूनिवर्स से कंपेयर करने वाले हैं और देखेंगे कि क्या एक बच्चों के टीवी सीरियल वाले करेक्टर्स में इतना पोटेंशियल है कि इन पावरफुल करेक्टर्स तक को हरा सकें। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि मैं इस वीडियो का पार्ट वन बना चुका हूँ, जहाँ मैंने जस्टिस लीग को बेन के एलियंस से कंपेयर किया था। लेकिन इस वीडियो में हम ओवरऑल बेंटन यूनिवर्स को डीसी यूनिवर्स से कंपेयर करने वाले हैं। सो गाइस, एक एक करेक्टर को कंपेयर कर पाना पॉसिबल नहीं, तो हम इस वीडियो में सब करेक्टर्स को कुछ लेवल की बेसिस पर कंपेयर करेंगे, जो कि हैं स्ट्रीट लेवल, मेटा लेवल, हेराल्ड लेवल, स्काई फादर लेवल, सेलेस्टियल लेवल, गॉड लेवल और सुप्रीम बीइंग लेवल। सो गाइस, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्ट्रीट लेवल की। तो स्ट्रीट लेवल करेक्टर्स में डीसी के पास हैं एरोवर्स के लगभग सब करेक्टर्स, जिनमें आते हैं सुपर गर्ल, ग्रीन एरो और बैटवुमन। इन्हें हराने के लिए बेंटन अपने एलियंस जैसे कि फोरआर्म्स, गोस्ट फ्रीक और डायमंड हेड का यूज़ कर सकता है और बहुत ही इजीली इन्हें हरा सकता है। तो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ। तो ये लेवल है मेटा लेवल। तो इस लेवल में डीसी के पास जो करेक्टर्स हैं वो है फ्लैश, एक्वामैन, साइबोर्ग, जस्टिस लीग और टीन टाइटंस जैसे करेक्टर्स। इन सब के लिए बेंटन के पास कुछ एलियंस हैं, जैसा कि अपग्रेड, स्वॉर्म फायर, अल्टीमेट ह्यूमंगस और केविन और ग्वेन की मदद से आराम से इन्हें हराया जा सकता है। मेटा लेवल के बाद आते हैं हेराल्ड लेवल करेक्टर्स। इस लेवल में करेक्टर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं और ये कुछ सेकेंड्स में ही प्लैनेट्स तक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस लेवल में डीसी के पास जो करेक्टर्स हैं वो है डार्क साइड, मिस्टर मेजेस्टिक, वंडर वूमेन, सुपरमैन जैसे करेक्टर्स आते हैं। और इन करेक्टर्स को हराने के लिए बेंटन के पास है अल्टीमेट वेबिक, अल्टीमेट रैथ, अटोमिक्स, अल्टीमेट बिग चिल, क्रोमास्टोन और फीडबैक। और इन सब एलियंस की मदद से बेन डीसी के हेराल लेवल करेक्टर्स को बहुत ही तगड़ी टक्कर दे सकता है और उन्हें हरा सकता है। सो गाइस, हेराल लेवल के बाद आते हैं स्काई फादर लेवल करेक्टर्स। और इस लेवल में डीसी के पास कुछ करेक्टर्स हैं जैसा कि ज्यूस, एरिस, एंटीमैटर और गैरिटाज जैसे करेक्टर्स। और ये करेक्टर्स यूनिवर्स के रूल्स को चेंज कर सकते हैं और यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय तक कर सकते हैं। इन करेक्टर्स को टक्कर देने के लिए बेंटन यूनिवर्स के पास कुछ करेक्टर्स हैं जैसा कि वेडुना, एटॉमिक एक्स और प्रोफेसर पैराडॉक्स। वेडुना एनर्जी से भरपूर एनोडाइट है और ये मैना को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकती है। एटॉमिक एक्स गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय, ब्लैक होल क्रिएशन और बहुत कुछ कर सकता है, क्योंकि ये हाफ एलियन एक्स और हाफ एटॉमिक्स है। और प्रोफेसर पैराडॉक्स को तो मारा ही नहीं जा सकता और ये टाइम ट्रैवल कर सकते हैं और ये हर डायमेंशन में भी ट्रैवल कर सकते हैं। तो ओवरऑल इन करेक्टर्स में इतना पोटेंशियल है कि ये स्काई फादर लेवल को टक्कर दे सकते हैं और शायद इन्हें हरा भी सकते हैं। तो अगले लेवल पर आते हैं जो कि है सेलेस्टियल लेवल। इस लेवल के करेक्टर्स में मल्टीवर्स की सारी पावर्स होती हैं और ये किसी भी चीज़ को बना और मिटा सकते हैं। इस लेवल में डीसी के पास जो करेक्टर्स हैं वो है डोमिनस, अल्टीमेटर, क्रोना, एम्परर जोकर और ये सब करेक्टर्स नाई ओमनीपोटेंट की कैटेगरी को टच करते हैं। और इन करेक्टर्स को हराने के लिए बेंटन यूनिवर्स के पास जो करेक्टर्स हैं वो है कॉन्टेमलिया, जो कि फिफ्थ डायमेंशनल बींग्स हैं और ये बेंटन यूनिवर्स में बिग बैंग का कारण भी हैं। सेकेंड नेलजियन, ये बेंटन यूनिवर्स के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट बींग्स हैं और इनके बच्चों के खिलौने ही लेवल 20 की टैक्स से अबाव के हैं, जो कि यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो सोचो इनके वेपन्स कितने खतरनाक होंगे। और थर्ड पर जो करेक्टर्स हैं वो है प्रोफेसर पैराडॉक्स और अल्टीमेट केविन। ये करेक्टर डीसी के सेलेस्टियल लेवल करेक्टर्स को हराने तक का पोटेंशियल रखते हैं और इन्हें मार भी सकते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट लेवल जो आता है वो है गोट लेवल। इस लेवल में डीसी के पास है सीनर, लूसिफर, माइकल डेमिओर्गस और ये इतने पावरफुल करेक्टर्स हैं कि इन्होंने अपना एक यूनिवर्स भी क्रिएट कर चुके हैं और उन पर राज भी करते हैं। तो इन करेक्टर्स को टक्कर देने के लिए बेंटन यूनिवर्स के पास हैं नेलजियंस और बेन 10,000। यहाँ मैं बेंटन 10,000 को इसलिए इंक्लूड कर रहा हूँ कि इसके पास बायोमेट्रिक्स है, जिससे ये करेक्टर्स को स्कैन करके उन्हीं में ट्रांसफॉर्म होकर उनके अल्टीमेट फॉर्म में जा सकता है और इन करेक्टर्स को बहुत ही ईजिली हरा सकता है। और मैं आपको बता दूँ कि डीसी के ये करेक्टर्स ओमनीपोटेंट की कैटेगरी में नहीं आते, इसीलिए बेन यूनिवर्स के लिए ये करेक्टर्स इन्हें हरा सकते हैं। तो गाइज, नेक्स्ट और लास्ट लेवल जो है वो है सुप्रीम बींग लेवल। इस लेवल के करेक्टर्स ट्रूली ओमनीपोटेंट, ओमनीसाइंस होते हैं और इन्होंने ही अपने यूनिवर्स को क्रिएट किया होता है और अपने यूनिवर्स में इनसे आगे कोई नहीं। इस लेवल में डीसी के पास है द प्रेजेंस। कहा जाता है कि इसने डीसी यूनिवर्स को बनाया है। ये कुछ भी बना सकता है और तबाह भी कर सकता है।
मतलब कुछ भी। पर मेरी रिसर्च के अकॉर्डिंग यह कैरेक्टर खुद को गॉड नहीं मानता और कुछ जगह पर इसने कहा है कि इसे कुछ लोग कंट्रोल करते हैं, मतलब कि इसके राइटर्स से। इससे पता चलता है कि ये ओमनीपोटेंट नहीं है। तो इस कैरेक्टर्स को टक्कर देने के लिए बेंटेन यूनिवर्स के पास है एलियन एक्स, और मैं यहाँ हीरो एलियन एक्स की बात नहीं कर रहा बल्कि रियल एलियन एक्स की बात कर रहा हूँ, जिसे इंडिविजुअली सरीना और बेलिकस कंट्रोल करेंगे। और ये एलियन एक्स 96% ओमनीपोटेंट है, जिससे कि ये द प्रेजेंस को टक्कर दे पाएगा। और हाँ, अगर एलियन एक्स हारता भी हुआ तो जैसा कि हम जानते हैं कि सब एलियन एक्स अपनी पावर्स को कंबाइन कर सकते हैं, जिससे कि वो 100% ओमनीपोटेंट बन सकते हैं और ये द प्रेजेंस को भी हरा सकता है। और यहाँ पर जीता है बेंटन यूनिवर्स। तो गाइस, ये वर्सेस बैटल आपको कैसा लगा? अगर आपको इन फ्यूचर ऐसे ही वर्सेस बैटल चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लें, ताकि मैं आपको अपनी वीडियोस की इंफॉर्मेशन सबसे पहले वहां दे सकूं। और अगर आपको कोई मेरे से पर्सनल इंफॉर्मेशन भी चाहिए हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं वहाँ आपका रिप्लाई दे दूँगा। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, और अगर आप किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे फिर एट द एंड लाइक एंड शेयर कर दिए। तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।